ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਂਤੀ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਲਮਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਂਤੀ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਮ ਸਭਕੋ ਇਹ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਏਂ ਆਜ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਸੇ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਜੋ ਜੈਂਡਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਮ ਸਭ ਮੇਂ ਉਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਕੀਮਸ ਯਾ ਬਤਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਹਮਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਨੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਉਨਕੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋ ਲੈ ਕਰ, ਉਨਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋ ਲੈ ਕਰ, ਯਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏਂਗੇ ਹਮ ਉਨਕੋ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਏਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਟੱਚ ਮੇਂ ਆਗੇ ਮਹਿਲਾਏਂ ਹੋਂਗੀ, ਇਨਕੋ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏਂਗੀ ਵੋ ਹਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਸਾਥ ਮੇਂ ਲੈ ਕਰ ਉਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੇਂ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕਾ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਤਾ ਕਾਮਰਾ मैम, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है जो कि वैक्सीनेशन का, उसके बारे में आपका जानकारी देना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा उपराला है सबकी भलाई के लिए, और मैं यही कहूँगी कि सबको लगवाना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने भी बोल दिया कि 18 से ऊपर जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। जो कोई डर रहा है कि मेरे को बुखार हो जाएगा या मेरे को कुछ और होगा, इससे कुछ भी नहीं होता। बुखार वैसे नहीं हो जाता कभी, वैसे भी तो होता है, बॉडी एक वैसे भी होता है, कोई बात नहीं। अगर ये दो वैक्सीनेशन आपको लग गई है ना, तो आपको अगर कोरोना हो भी गया है ना, तो आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पे वो अटैक इतना नहीं करेगा, आप सेफ रहेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर लगवाओ। और ये जो उपराला जयंती ने किया है, बहुत अच्छा किया है। सारे लोग फॉलो करें, हैंड वॉश करें, मास्क लगाएँ, दूरी बना के रखें, और ये जो रैलियां वगैरह उसमें मत जाएं। महिला कांग्रेस में जो नए मेंबर्स को शामिल किया गया है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएंगे। हम इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाएंगे और लोगों को कोशिश करेंगे इसमें जोड़ने की, और ये लोगों को संदेश देंगे कि मिलकर ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसका फेस इकट्ठे ही करेंगे, अकेले नहीं कर सकते। आज कुल कितने मेंबर्स को इसमें शामिल किया गया है? पूनम लूना, आज जो शक्ति संगठन का जो निर्माण किया गया है, तो जानकारी दो किस मकसद लेके संगठन शुरू किया गया? शक्ति संगठन इसलिए किया गया है क्योंकि हम ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो कोरोना चल रहा है, लोग डर रहे हैं ये क्या हो गया, क्या नहीं होगा, हम इसको जागरूक करेंगे, घर घर जाके उनको बताएंगे भी आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपने सिर्फ ओनली अपना ही ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और अपना अपना खुद ध्यान रखेंगे तो सभी अच्छा ही होगा। वो मास्क पहनने के लिए बोलेंगे, हैंड वॉश करने के लिए बार बार बोलेंगे, पूरी घर में सफाई भी होनी चाहिए, सफाई घर में होगी और गली मोहल्ले में भी होनी चाहिए, जिससे गंदगी ज़्यादा होगी जहाँ पर, तो आप जानते हैं मच्छर मक्खी से भी बीमारी फैल जाती है, हम जागरूक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस वालों आज जो शक्ति संगठन का निर्माण किया गया, ये सानू जानकारी दो भी किस मकसद में लेके शुरुआत की गई है? हाँ जी, महिला शक्ति संगठन बेसिकली हम महिलाओं की तरफ से एक ग्रुप को हम लोगों ने अनाउंस किया है, इसीलिए कि आज जो कोविड की प्रॉब्लम से हम लोग इतना ज़्यादा
फेसिंग हो रहा है और इसका जो सेकंड फेज है जो इतना ज़्यादा लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों से मिलके हम ये बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा नहीं है जितना कि लोग लेके चल रहे हैं, बट अवेयरनेस जागरूकता ज़रूरी है कि हमें कैसे सेफ्टी रख के, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कैसे समझदारी के साथ हमें इस टाइम को पास करना है। सो हम लोग मिलके डोर टू डोर जाके लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी स्केयर्ड होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक समझदारी के साथ, एक पेशेंस के साथ हमें इकट्ठे हम सब लोगों को एक एकता के साथ और बिल्कुल सहजता के साथ हम लोगों को अवेयर करेंगे कि प्लीज़ आप इस चीज़ से घबराइए नहीं, लेकिन आप पेशेंस के साथ बैठ के इस चीज़ को सोल्यूशन लेके आए। मेन है कि हम लोगों को सफाई का ध्यान रखना है, हमें मास्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और ज़्यादा गैदरिंग के प्लेसेस पे नहीं जाना है। बेसिकली हम लोगों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन जो वैक्सीन का है यहाँ पे, जो आज हम लोगों ने मिलके कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो ये आज हमारा फर्स्ट डे, एक कोशिश है हमारी पहले कि ये कितना ज़रूरी है वैक्सीन लोगों के लिए। सो दिस इज़ द मेन मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ आवर ग्रुप। थैंक यू सो मच। नीलम कामरा मैम, आज जो कोरोना को लेकर लोग जो मतलब पैनिक हो रहे हैं उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं तो यही कहूँगी कि वैक्सीन लगानी हर मतलब पर्सन को ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एज। इसमें डर वाली कोई बात नहीं। आज मैंने भी सेकंड डोज यहाँ से लगवाई है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे। मैं तो लोगों को यही गाइड करूँगी इस वाले जो इनका प्रोसीजर है इसको मिस नहीं करना चाहिए, इसको रेगुलर हर पर्सन को फॉलो करना चाहिए। दो डोज अपनी कंप्लीट कराओ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, तो आपको फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा रहेगा। आप लगवाना ज़रूर चाहिए, हम तो यही कहेंगे। हिंदू बाला, हाँ जी, आज जो शक्ति संगठन का जो निर्माण किया गया है महिला कांग्रेस में, उसके बारे जानकारी दी जी। जो कि कोरोना वायरस चल रहे हैं इनसे लोग डर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से ये हो जाता है, ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो हमारा अपना ही फायदा है। जो आप इंजेक्शन लगाएंगे उसका अपना फ़ायदा है, सभी लोगों का फायदा है, इसलिए इसे डरना नहीं चाहिए, ये अपने फायदे के लिए है। और हमने जो आज महिला बनाई है उसको हमने मजबूत करना है।